हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये एलजी का एलईडी टीवी रिपेयर करने वाले हैं। तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके कभी कभी आवाज़ आती है और कभी कभी नहीं आ रही है। तो चलिए इसे चालू करते हैं और देखते हैं इसका प्रॉब्लम। ये देखिए, एलईडी टीवी ऑन हो चुका है। अब इसको सेटअप बॉक्स का कनेक्शन ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखिए, इसका वॉल्यूम जो है वो फुल है और डीटीएच का भी ये देखिए दोनों वॉल्यूम फुल है, लेकिन एलईडी में आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, एलईडी को मैंने खोल दिया है। तो इसके जो आईसी के वोल्टेज है, वो सारे आई वोल्टेज जो है वो ओके है। और इसका जो प्रॉब्लम है, इन दो स्पीकर में ही है। तो चलिए मैं ये दिखाता हूँ आपको इसका प्रॉब्लम। ये देखिए, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, इसे मैंने ऑन कर दिया है और हमारा टीवी जो है वो ऑन भी हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए, यहाँ पर स्पीकर को ऐसे दबाने पर इसका आवाज़ आता है। ये देखिए दोस्तों, और ये दूसरा वाला पूरा ही बंद है। इसको ऐसे दबाने से देखिए आवाज़ आ रही है। इसी की वजह से दोस्तों, इसका आवाज़ कभी आ रहा था, कभी जा रहा था। तो चलिए अब हम इसकी जगह ये देखिए, ये दो नए वाले स्पीकर लगाएंगे। तो चलिए इसे लगाते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो स्पीकर लगाने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान है। ये देखिए, यहाँ पर जो इसका जो सॉकेट है, इसे इस तरह दबाकर निकालते हैं और ये दूसरा वाला भी, इसका भी ये देखिए सॉकेट ऐसे दबा के और निकालेंगे। और ये देखिए, ये नया वाला स्पीकर इस तरह से सॉकेट दोबारा बिठाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे स्पीकर तो लग चुके हैं। तो चलिए एक बार मैं इसे ऑन कर देता हूँ और देखते हैं आवाज़ हमारी ठीक हुई या नहीं। तो ये देखिए, इसे मैंने ऑन कर दिया है और ये देखिए डीटीएच का कनेक्शन भी ऑन कर दिया है। नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। ये देखिए दोस्तों, यानी जब तक कोर्ट इस हमारे दोनों स्पीकर ठीक हो गए हैं, तब तक ये अंतरिम तो चलिए दोस्तों, एलईडी को एक बार हम पूरा फिट करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा प्रॉब्लम। तो ये देखिए दोस्तों, एलईडी को मैंने फिट कर दिया है। तो चलिए एक बार इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारा जो आवाज़ का प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है।